नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सवाल है मेरे योगी आदित्यनाथ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से, देवकी नंदन ठाकुर, राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्म गुरुओं से, जो हमेशा नारा देते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। क्योंकि तमाम उत्तर भारत से दलितों के ऊपर अत्याचार प्रताड़ना के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और सबसे नया मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले का है। बात कुछ ऐसी हुई कि मयंक द्विवेदी नाम का एक व्यक्ति जो रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में अशोक साकेत नाम के एक दलित व्यक्ति का घर पड़ता है और वो अपने कुर्सी पर बैठे, तो मयंक द्विवेदी को देख करके अशोक साकेत अपनी कुर्सी से खड़े नहीं हुए। इस बात से द्विवेदी साहब आहत हो गए, उन्होंने माँ बहन की गालियां दी, जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया कुर्सी से। तो अब मेरा सवाल उन तमाम बड़े नेताओं तथा उन धर्म गुरुओं से है जो हिंदुओं को एक होने को कहते हैं, जो बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, जो एक हो तो सेफ हो का नारा देते हैं, जो नेता और धर्मगुरु बांग्लादेश के मुद्दे पर तो बोलते हैं, पाकिस्तान के मामले पर बोलते हैं, लेकिन अपने ही राज्य में तथा अपने राज्य के पड़ोसी राज्य में यदि कहीं पे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो उन पे चुप्पी साध जाते हैं। कैसे होंगे हिंदू एक? ऐसे मुद्दों पे इनके व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हिंदुओं को एक होने का दिया गया इनका नारा धर्म के धंधे से पैसा कमाने के लिए और राजनीति में वोट पाने के लिए है केवल। यदि ये वास्तव में हिंदुओं को एक करना चाहते तो दलितों के प्रति हो रही प्रताड़ना और अत्याचार पे बोलते, अपने करोड़ों की संख्या में जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्हें समझाते, कहते कि जाति पाति से ऊपर उठो, जाति व्यवस्था को भूल जाओ, जाति प्रथा का ये अपने मंचों से विरोध करते। जाति प्रथा के समर्थन के साथ आप कैसे हिंदुओं को एक कर सकते हैं? एक तरफ तो इनकी अंतरात्मा जाति प्रथा का समर्थन करती है और जो इनका बाहरी दिखावटीपना है वो हिंदुओं को एक करने की बात करता है। दलितों के साथ प्रताड़ना के सबसे ज्यादा के मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आते हैं, और इन सभी राज्यों में एक विशेष पार्टी की सरकार है, जो पार्टी ये नारा देती है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो क्यों नहीं ये पार्टी दलितों के ऊपर अत्याचार को रोक पा रही है अपने राज्यों में? क्यों नहीं इस पार्टी के नेता जाति प्रथा का विरोध करते हुए दिखते हैं कभी भी? सवाल तो और भी बहुत है, लेकिन मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।